महंगी कर दी और बिजली का संकट पूरे प्रदेश में और यहाँ पर बुंदेलखंड में बताइए 7 घंटे केवल बिजली दे रहे, जबकि वादा किया था 24 घंटे। और एक साल में बिजली पर कितना बिल बढ़ाए, कितना, 4 बार। और जबकि सस्ती बिजली देना चाहिए तो 24 घंटे बिजली देना चाहिए था, नहीं बस। तो हमने तो और हम प्रत्येक ऐसा कानून बनाएंगे नौजवानों, हर परिवार से कम एक बेटे को एक बेटी को नौकरी देने की जिम्मेदारी। और हम ऐसा भी कानून बनाएंगे जो किसानों पर कर्जे हो चुके हैं, बिजली का भी कर्जा बहुत, बिजली का कर्जा माफ होना चाहिए। किसानों पर कर्जा है बिजली का माफ होना चाहिए। और हम ऐसा भी नौजवानों जो पीए पास हमारे लड़के हैं ऐसा कानून बनाएंगे। आप सब लोगों ने कल भी बहुत अच्छा सहयोग किया है, सभी लोगों को धन्यवाद। आपने कल भी कई तरीके सारे हजार लोगों ने, बड़े शहर के लोगों ने भी हमारे पार्टी का सहयोग किया है, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज भी देखिए ओवैसी भी बड़े नेता हैं, उनकी भी पार्टी है और भी पार्टियां हैं। मैंने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियां, तो कभी अच्छा कहीं न कहीं तो निर्णय तो हमें लेना ही होगा। हमारा प्रयास है कि हमारा प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से, और अगर नहीं होता है तो हमें कोई न कोई तो निर्णय लेना ही होगा और लेंगे निर्णय। क्या लगता है भतीजे का कहीं ना कहीं कोई मेल है, बात होती है फोन ऑन में ऐसा कुछ? कभी कभी फोन पे बात हुई है। क्या रिस्पांस बनता है, प्रणाम करते हैं नहीं करते हैं, क्या किस तरह का रिस्पांस? अरे ऐसा रिश्ता है वो तो करना ही पड़ेगा। ये रिश्ता तो ऐसा रिश्ता है, ये रिश्ता तो कभी खत्म होगा नहीं। तो सर किस तरह की बात है? कहा कि नहीं, बड़े दल छोटे दल और लोग कह रहे हैं, हम बड़े दल की कह रहे हैं, एक बड़े दल से हम समझौता जरूर करेंगे। और यहाँ पर 400 क्रेशर थे, आज पता लगा लीजिएगा कितने क्रेशर रह गए। और ये जो उद्योग था यहाँ पर, धंधा था, आज ये पूरा धंधा मध्य प्रदेश को जा रहा है, और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का, गलत नीतियों की वजह से रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा, पलायन हो रहा है यहाँ से और सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जा रहे हैं लोग। हम तो इसको जब हमें जानकारी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानकारी हुई है। अब हम इसको देखिए विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे और सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सरकार में आने पर तो हमें पॉलिसी भी बदलने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब चौपट हो रहा है। कहाँ 400 क्रेशर थे, अब 70 के लगभग रह गए हैं, सो भी खड़े हैं। देखिए एक तो छत्रपाल पर की बात है, अंतर को फर्जी मुकदमे लगा दिए थे, जेल भी भेज दिया था। तो तागत में जब हम लोग आएंगे सब तो मुकदमे वापस, सब इस तरीके से कितने लोग बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं। इनकी पॉलिसी गलत है, हम आज पॉलिसी बनाएंगे। पहले भी हमारे पास खाने विभाग रहा है, मैंने पॉलिसी बनाई थी, किसी को कहीं दिक्कत नहीं थी।
और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा था, और आज देख लीजिए रेवेन्यू भी घटा है, और ये पूरा रेवेन्यू मध्य प्रदेश को फायदा हो रहा है, पूरा उद्योग सब मध्य प्रदेश को जा रहा है। इसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, कितना लेबर से लेकर के, कितने लोग लगे थे यहाँ पर, एक तो ओवरलोडिंग की वजह से भी कितनी महंगी बालू और गिट्टी और ये सब हुआ है। तो ये सब देखिए पॉलिसी बनाने की बात है, और हमने तो कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टी, और हम लोग तो समाजवादी में 40 साल काम किया है, और 40 साल काम करके हमने किस बुलंदियों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है, नेताजी के साथ पहुंचाए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के अलायंस करें। हम कहाँ पहले अलग होना चाह रहे थे, हम नहीं होना चाह रहे थे, हमको तो अलग किया गया है, लेकिन अब हम जब पार्टी बनने के बाद हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी अलायंस में शामिल हो जाए। हमारा प्रयास है कि हमारा प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से, और अगर नहीं होता है तो हमें कोई न कोई तो निर्णय लेना ही होगा, और लेकिन रथ चल रहा है, मेरा भी रथ चल रहा है, तो उनकी जल्दी समझ में आ जाएगा, जनता के बीच जाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।